इलेक्शन से पहले अगर देखा जाए तो हमने 2011 में 10th का एग्जाम, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद हम कहीं ना कहीं पैसे के लिए, क्योंकि हम अगर बात किया जाए तो उस डिएक्शन से पहले हम बहुत गरीब थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो कम उम्र में ही हम पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना शुरू किए, भागना शुरू किए। और 2011 से, यानी कि 2011 से लेकर के 2018 तक हमने प्राइवेट जॉब किया। वहां से 3,000 शुरुआत, हमारा इनकम 3,000 से शुरुआत हुआ था, और 2018 तक में हमने 15 से 20 हजार के सैलरी पा रहे थे। रेलवे फैक्ट्री मधेपुरा में हम जॉब कर रहे थे 2018 के आसपास। उसके बाद शरीर में कुछ परेशानियां आता है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, जॉब को छोड़ने के बाद गांव में आ जाते हैं। और गांव में ऐसा परेशानी, हमारे पास शरीर में परेशानी था, पेट में गैस्ट्रिक की समस्या, बहुत सारा इस तरह का। और एक बचपन से ही समस्या था, तोतर लगने का समस्या, जो कि आवाज फ्रेश नहीं निकलना, आवाज हमारा फ्रेश नहीं निकल पाता था, ये सभी समस्याओं को लेकर के। तो वो सब चीज तो था ही, कहीं ना कहीं हम बहुत जगह पे थके हुए थे, हारे हुए थे। तो परेशानी नहीं सही होने के कारण गांव में जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जाते हैं, एक जोरदार तालियां होना चाहिए डिएक्शन के बारे में बताने वाले विक्रम सर, पूजा मैडम के लिए, आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं। क्योंकि अगर वो डिएक्शन हमें नहीं बताते, नहीं जानकारी देते, तो आज हम डिएक्शन में ना होते। तो हमारा ये देखिए, बीमारी के कारण से हम क्या है, डिएक्शन में आते हैं। ये हमारा क्या है, डिएक्शन से पहले का फोटो है, जो आपको हम अभी स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं। डिएक्शन से पहले का हम दोनों वाइफ हस्बैंड, यानी कि उस समय का हमारा फोटो और आज का फोटो, दोनों में फर्क पता चलता है। ये है पावर, डिएक्शन प्रोडक्ट गैनोडर्मा का पावर है। गैनोडर्मा सर बताते हैं, यहाँ से मीटिंग ट्रेनिंग में बताया जाता है, गैनोडर्मा खाने वाला चमकता है। वास्तव में आज हमें पता चल रहा है, डिएक्शन का जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, गैनोडर्मा का इस्तेमाल किए, तो आज हमारे चेहरा पे और आज हमारे शरीर पे, आज जो हमारे पास पहले समस्या था वो समस्या भी खत्म हो चुका। इसका प्रोडक्ट का से हम प्रभावित होकर के हमने डिएक्शन को अच्छा से समझा, ट्रेनिंग को लिया, और उसके बाद ये हमारा हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद। ऊपर वाला जो आपका फोटो है, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले, और बाद का जो फोटो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद। पहले का फोटो हमारा क्या था और आज का फोटो, यानी कि गैनोडर्मा इस्तेमाल करने से पहले और गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद, इससे हमें पता चला गैनोडर्मा का पावर क्या है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे शरीर के ऊपर। उसके बाद पता चलता है डिएक्शन में काम करना, काम क्यों करना है। तो सर हमें पूरे जिंदगी के बारे में पहले खोल करके बताते थे, अगर यहाँ पे काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं तो भागना पड़ेगा। इतना दिन से हम कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, लेकिन वहां से मेरा जिंदगी नहीं बदल रहा था, सिर्फ जिंदगी को काट रहे थे, जिंदगी को चला रहे थे। जिससे जो हमें चाहिए, जो हमारा सपना था, आपने शुरू का स्लाइड देखा होगा, हेलीकॉप्टर के पास मेरा फोटो था, सपना था, सोच रहे थे कैसे होगा। कभी आज तक सही बात है, जहां हम जो ड्यूटी करते थे, वहां पे जो भी बाहर बाहर से लोग आते थे नौकरी करने के लिए, उनको डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ही वहां पे उतारा जाता था। तो वहां पे मेरा ड्यूटी था, तो सिर्फ हम देखते थे, कभी आज तक उसमें चढ़ करके हमने नहीं देखा। लेकिन वो पता चलता है डिएक्शन में भी वो सपना पूरा होता है। तो आगे वो मेरा सपना वो भी पूरा होने वाला है। तो इस तरह से क्या है, हमने डिएक्शन को शुरुआत किया। और डिएक्शन शुरुआत देख लीजिए हम कहाँ से किए, सन 2019 से हमने डिएक्शन में काम करना शुरू किया। 2019 में हम इसी साइकिल से डिएक्शन करना शुरू किए, जो कि मेरे पास क्या बताए, डिएक्शन से पहले कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी के बारे में अगर बात किया जाए तो किसान थे, हम एकदम लो क्लास के फैमिली से बिलोंग करते थे, पैसा कम रहने के कारण अच्छा खासा पढ़ाई भी नहीं हो पाया था, और कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही हम दिन रात भागते थे। तो जब हम डिएक्शन में आए तो बस वही है, साइकिल से हमने रिएक्शन करना शुरुआत किया। शुरुआती दौर में क्या होता है, जब गांव से रिएक्शन करते जाते हैं, करने के लिए जाते हैं, मिट्टी ट्रेनिंग में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है, जब इस प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल किया, शरीर पे अच्छा रिजल्ट आया, तो बहुत सारे लोग अगल बगल गाँव समाज के क्या होते हैं, ताना मारते हैं, बोलते हैं। और जब हम मीटिंग से आते हैं तो बहुत सारे लोगों को जब इसके बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो क्या बोलते हैं, तुम कितना अच्छा जॉब कर रहा था, तुम्हारे पास कितना अच्छा नौकरी था, तुम इस जॉब को छोड़ करके, तुम इस नौकरी को छोड़ करके, प्राइवेट जॉब ही सही लेकिन क्या था, अच्छा था, वहां से तुम्हारा जिंदगी चल रहा था, आज उसको क्यों छोड़ करके, ये चाय के चक्कर में फंस गया, पेस्ट के चक्कर में फंस गया। तो
मतलब बहुत सारे लोग इस तरह का बात बोलते थे, जहां से हम क्या होते थे थोड़ा सा डिमोटिवेट होते थे। लेकिन क्या था, बार बार यहाँ पे बताया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है, अगर सफल गुरु का हाथ पकड़िएगा, अगर हम पकड़ते हैं तो क्या है, हमें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से उस तरह का सहायता लेने की जरूरत नहीं है, पैसे का हो या किसी भी चीज का। तो हमने क्या किया, अपने गुरु का बात को, अपने सीनियर का बात को, सफल सीनियर, फिर से एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए अविनाश सर के लिए, उनकी बातों को हमने फॉलो करते गए, मानते गए। तो आज पता चलता है रिएक्शन में क्या है, धीरे धीरे करके हमने काम करना शुरू किया। जब हम रिएक्शन में ज्वाइन किए, उस समय में क्या था, हमारा ज्वाइन करने के साथ जब 1 महीना हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय में हमारा हमारा थोड़ा सा बोनस आता है। बोनस क्या आता है, जबकि अगर किसी को सुनाया जाए, तो हमने पहले घर में जाकर के बोनस को दिखाए थे, 146 रुपया 70 पैसा। जब इस बोनस को हमने घर में दिखाया, अपने परिवार में बताया, तो क्या है, बहुत सारे लोगों ने, घर वाले, परिवार वाले, रिलेशन वाले, वो सीधा ये बताते थे, तुम इतना अच्छा जॉब कर रहा था, ये 146 रुपया में तुम्हें क्या होने वाला है, तुम अपने खर्चा चलाएगा, परिवार को देखेगा, किसको किसको दे सकते हो। लेकिन क्या है, वहां से हमें कोई नहीं, सर बताते थे आप ट्रेनिंग को सुनते हैं, ये क्या है, रिएक्शन में आपका लाइफ बन सकता है। अभी शुरुआती दौर में सही है, आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, इस्तेमाल करने से इतना पैसा आया, सिर्फ खाने से इतना पैसा आया है, आप हमें बताइए क्या खाने से कहीं पैसा आता है। हमने बताया नहीं सर, खाने से तो कहीं पैसा नहीं आता है। तो आप सिर्फ खाने से इस तरह का आपको 146 रुपया आया, इस तरह से आप अगर ज्यादा काम करते हैं, आगे काम करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा इनकम होगा। हमने क्या किया, सर के बात को मानते हुए, किसी का बात नहीं सुनते हैं, डिसीजन लेते हैं, नहीं हमें रिएक्शन करना है, हम यहाँ से रिएक्शन करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हम स्टार का पोस्ट लेते हैं। स्टार का पोस्ट लेने से पहले आपको हम दिखाएंगे क्या है, हमारा ये छोटा सा घर, रिएक्शन से पहले, ये मेरा रिएक्शन से पहले का घर है, जो कि आपको हम आगे दिखाएंगे रिएक्शन का बाद का कैसा घर है मेरा। और जब हम रिएक्शन में धीरे धीरे करके काम करते हैं और स्टार का पोस्ट मिलता है, रिएक्शन में अपने गुरु के बात बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, स्टार का पोस्ट मिलता है, और एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकेंड हैंड बाइक हम खरीदते हैं, सेकेंड हैंड बाइक, नया नहीं, सेकेंड हैंड। और उसमें उस समय में क्या, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, स्टार का पोस्ट लिए थे, लगभग 5600 रुपया का इनकम आया था, और वहां पे जरूरत हमें क्या था, जो हम साइकिल से 10 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, 20 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन पूरा हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां बड़ा बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग होता है वहां पे हम नहीं जा सकते हैं। वहां पे जाने के लिए मेरे पास साधन होना चाहिए, किस होम मीटिंग देने के लिए मेरे पास साधन होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमने कर्ज लेकर के, सूद पे पैसा लेकर के, यानी कि लोन लेकर के, हमने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल उस समय में खरीदा, और ये मोटरसाइकिल हमारा रहा, इसी मोटरसाइकिल से हमने काम करना शुरू किया, और धीरे 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 काम करते करते, लोगों को भला करते करते, लोगों को बताते गए, बहुत सारे लोगों को आज क्या है, हमारे सिस्टम से बहुत सारे लोगों को समस्या भी दूर हुआ, आज स्वस्थ मिला, और स्वस्थ के साथ साथ आज उन्हें धन भी मिल रहा है। आज इसी मोटरसाइकिल से हमने काम करना शुरू किया, सेकेंड हैंड गाड़ी से। उसके बाद बात किया जाए तो स्टार डायमंड, तो हमारा क्या है, जनवरी महीना 2019, 31 तारीख, 10वां महीना 2019 में हमने डायमंड क्वालिफाई करते हैं। 2019 में हम काम करना शुरू किए थे, आपको बता दें मई के आसपास, 17 मई के आसपास हमने काम करना शुरू किया, और क्या है, 31/10/2019 को हम डायमंड बन जाते हैं। और इस तरह से हमारा, देख रहे हैं आप, फोटो भी इस पे जा रहा होगा, उस समय का ही फोटो है ये। और उसके बाद 2020, 2020 में देखा जाए तो सीधा हमारा पोस्ट डबल डायमंड का पोस्ट होता है, सिस्टम में 4 डायमंड होते हैं उस समय में, और 2020 में हम डबल डायमंड का पोस्ट लेते हैं। इसी तरह से निरंतर कोशिश करते जाते हैं, प्रयास करते जाते हैं, और अपने गुरु के बातों को मान करके, सीनियर के बातों को मान करके, हमने क्या किया, लगातार आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और इनकम हमारा बढ़ते चला गया। इस तरह से देखा जाए तो 2000 ये क्या है, 21 में सपनों वाली सनरूफ कार, इस तरह से क्या है, जिस समय में हम, सर हमें बताते थे, सोनू जी आपके पास गाड़ी होगा, सोनू जी आप 50,000 से प्लस का इनकम कमा सकते हैं। तो जब हम घर पे जाते थे, लोग अपने फ्रेंड को बताते थे, गांव में वो बताते थे,
जो हमारे पास आने वाला समय में अच्छा इनकम होगा, अच्छा गाड़ी होगा। तो बहुत सारे मेरे जो क्लास साथी थे, मेरे जो दोस्त थे, वो सीधा ऐसा बात बोलते थे जहां से हमें मतलब थोड़ा सा तकलीफ होता था, दिक्कत होता था, लेकिन क्या था, हम दिक्कत उस ये नहीं मानते थे, हमको ये बात बोल दिया, हमें ये दिक्कत होता था, आज हम असफल है इसलिए हमें ये बात बोला जा रहा है, हम एक दिन सफल बन के दिखाएंगे, हम एक दिन सफल होकर के दिखाएंगे। हम क्या करते थे, जैसे कि हम किसी को बताते थे तो सीधा बोलता था, तो अपना मुंह देखा है ना, हमें क्या 50,000 कमाने वाला तुम्हारा मुंह है, इस तरह से हमारा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन क्या है, उस समय में हम उसको कुछ जवाब नहीं देते थे, हमारा सीधा मन में होता था हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, हम काम से जवाब देंगे, हम जवान से नहीं, हम काम से कर्म करके जवाब देंगे, अच्छा कर्म करेंगे निश्चित ही फल अच्छा होगा। हमने लगातार कोशिश करते गए, लगातार कोशिश करते गए, लोगों को बताते गए, लोगों को समझाते गए, बहुत सारे लोगों ने उस समय में क्या है नहीं माना, नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे करके 10 लोगों को बताया, एक लोग समझा, इस तरह से करते 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 धीरे धीरे करके हमने डायमंड का पोस्ट अचीव किया, धीरे धीरे करके इसी तरह से हमने डबल डायमंड का पोस्ट अचीव किया। हम ये सोचते थे जो हमारे पास इनकम आ गया, हमारे हम डायमंड बन गए, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे सिस्टम में भी डायमंड आना चाहिए, हमारे पास इतना इनकम है कोई बड़ी बात नहीं, अपने अपना पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने सिस्टम में यानी कि आपके वजह से या मेरे वजह से कितने लोगों को पैसा आ रहा है, ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। तो इसी को हम लेकर के धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए, और देखा जाए तो हमने इसको सीखने के लिए बहुत सारे जगह पे कैंप को अटेंड किया। जैसे कि देखा जाए तो हमारा फर्स्ट कैंप था जगन्नाथपुरी, जहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को वहां पे देखा कि वो लोग जब काम कर सकते हैं, बहुत जगह से अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे, उन लोगों को देख करके हमें मोटिवेट हुए। तो वहां से क्या है, धीरे धीरे करके उसके बाद जब हम डायमंड बनते हैं, उसके बाद हम पहला फ्रीडम डे 2019 में भुवनेश्वर अटेंड करते हैं, वहां से भी हमें बहुत सारे चीज सीखने का मौका मिलता है। वहां पे डॉक्टर इपेन कौशिक सर का सुने थे उन्होंने, जब हमको ऐसा लगा जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े सभी लोग डीएक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम तो एक छोटा सा इंसान है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास हम तो जीरो पे आउट है, जब हम जीरो पे आउट है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम लगातार लगन से कोशिश करते गए, आगे बढ़ते गए, और हमने देखिए तो एक यहाँ पे क्या है, जो सपोर्टिंग सिस्टम में अगर देखा जाए तो हम बराबर अपने ग्रेट अपलाइन शोभा मैडम को देख करके, आनंदी सर को देख करके क्या है आगे बढ़ते रहे। उनके लिए भी आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाने का काम करेंगे, क्योंकि उनको भी देखते थे तो हमें हिम्मत मिलता था, ताकत मिलता था। जो एक वो क्या है, पहले आशा में काम करते थे, वो आशा वर्कर थे, और जब वो कर सकते हैं, वो एक महिला होकर के डिएक्शन को कर सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते थे। उनको देख करके हम लगातार कोशिश करते गए। जब मेरा 146 रुपया का इनकम था, उस समय में हमें हिम्मत उनसे मिला था, हमें ताकत उनसे मिला था, उनका बोनस 11,000 से प्लस उस समय में आया था। उनका बोनस स्टेटमेंट देख करके हमने क्या किया, डिसीजन लिया, नहीं हमें डिएक्शन करना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए, हमें लोगों को जानकारी देना चाहिए इसके बारे में। तो हम लगातार यानी कि इधर से पॉजिटिव होते थे, और लेकिन क्या होता था, गांव में जाने के बाद, घर में जाने के बाद निगेटिव भी होते थे। तो हमने क्या किया, सर की बात को समझे, धीरे धीरे करके सर बताते थे ऐसा करिए, देखिए जो अगर कुछ बड़ा करना है ना तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और क्या है आपको अलग रह करके, कोई भी आदमी आज जितना बड़ा है, कोई भी आदमी हो, चाहे वो कोई भी अगर डीएम की बात किया जाए, कलेक्टर की बात किया जाए, कोई भी अगर बड़ा बड़ा पोस्ट पे आज है, तो वो गांव से रह करके नहीं है, आज वो गांव छोड़ करके है। हमें ये सब चीज सिखाते थे। हमने क्या किया, धीरे धीरे करके अपना गांव छोड़ दिया, गांव में नहीं रहते थे, यानी कि जहां हमारा ऑफिस था उसके नजदीक में जा करके हमने डेरा ले लिया, और डेरा लेने के बाद वहां से रह कर काम करना शुरू किए। तो क्या है, बहुत लेट लेट तक यहाँ पे क्या होता था, सीखते थे। उस समय में क्या होता था, भूख भी लगा हुआ होता था, प्यास भी लगा हुआ होता था, लेकिन क्या है, सर बताते थे, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते थे, क्या है, मारे मन सुखावे पेट तब है टका से भेट, यानी कि मन को मार करके, तन को सुखा करके, पेट को सुखा करके, भूख लगा हुआ रहेगा, मन करता है उठ करके जाने के लिए, मन करता है घूमने के लिए, मन करता है इधर उधर करने के लिए, लेकिन उस मन की बात को नहीं सुनना है, हमें आज जरूरत क्या है, मन से काम चलने वाला नहीं है, मन तो बहुत कुछ करता है, ये सभी चीज हमको ट्रेनिंग से मिलता था। तो इसी सब चीज को हम सुन करके, ट्रेनिंग में बैठ करके, लेट तक सीख करके,
कब कितना बज जाता था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हम क्या है सीखने का काम करते थे, दिल से सीखने का काम करते थे। इसी का नतीजा है जो सर ने कितना अच्छा बता करके गया बहुत ही कम समय में, रिएक्शन में आज जो कुछ भी हमारे पास है इस सारा का सारा श्रेय जाता है। फिर से एक जोरदार तालियां हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर के लिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमें पल पल सिखाए अविनाश सर के लिए, फिर से जोरदार तालियां होना चाहिए। क्योंकि अगर सर मैम अगर नहीं बताते इस तरह से, वहां पे कैंप में मिले थे, कैंप में उन्होंने बताया था सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ आपके पास जीरो पे आउट है, कोई बात नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप डीएक्शन में ईमानदारी से काम करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। उनकी बातों को हम समझ करके, बातों को मान करके, तो हम डिएक्शन में काम करना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। तो आज देखा जाए तो क्या है, बहुत सारे लोग जब उस समय में जो लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो धीरे धीरे देख करके, हमें देख करके, हमें समझ करके डिएक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि पहले सर बताते थे डिएक्शन में लोग तीन तरह से आता है, संग में, रंग में, तंग में। तो उस समय में संग में बहुत सारे लोगों को हमने बताया, तो कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, लेकिन अभी पता चलता है बहुत सारे लोग क्या है इसको हमारा क्या है रंग बदलता हुआ हमारा जिंदगी को देख करके डिएक्शन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाला समय अगर वहां से भी नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं तंग होकर के लोग डिएक्शन को ज्वाइन करते हैं। ये बात सही है क्योंकि आज इस चीज को हम यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जिंदगी में धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं सभी लोगों का सपोर्ट रहा, कहीं ना कहीं सभी लोगों का हमने मीटिंग ट्रेनिंग को सुना। अगर जैसे कि अभी देखा जाए कुंदन सर मेरे बारे में बताए, तो सबसे पहला अगर मीटिंग ट्रेनिंग की बात किया जाए, बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग का, जैसे कि बड़ा डायमंड स्वागत का, तो सबसे पहले कुंदन सर का ही हम बड़ा मीटिंग बलिया में जाकर के सुनने का काम किए थे। उस समय में क्या था, भाड़ा नहीं था, सही बात है, मेरे पास जाने के लिए भाड़ा नहीं था। और आप लोग को बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे होंगे, हो सकता है उनके पास भी इस तरह का समस्या आता होगा। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन होता है क्या, जो जेंट्स के पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन महिला थोड़ा थोड़ा सा पैसा कहीं ना कहीं से बचा करके वो घर में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें, मेरे पास पैसा नहीं था, 200 रुपया वहां जाने का भाड़ा और टिकट का लगता था, हम क्या किए थे, वो मेरे पास पैसा नहीं था, मैडम से पैसा लेकर के उस मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं। शुरुआत में क्या है, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, ये भी नहीं समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहते हैं, हमें सपोर्ट मिलते जाता है, जब सभी लोग समझना शुरू करते हैं। इस तरह से क्या है, हमारा जिंदगी में बदलाव होते चला गया, हमें पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया, ये हमें कुछ पता नहीं चला। क्योंकि बराबर सर बताते हैं दिल से किया गया काम, अगर दिल से करिएगा तो पता नहीं चलेगा ये कैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। तो हमने दिल से काम करने का कोशिश किया, इसीलिए आज मेरे जीवन में इतना सारा बदलाव लेकर के हमने खुद आया। और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, जैसे कि सभी जो भी डायमंड्स जो भी लीडर्स उनका सभी लोगों का सपोर्ट, श्याम बरन सर का कहानी सुनते थे, मिंता मैम सनी भारती सर का कहानी सुनते थे, इस तरह से बहुत सारे जो भी लीडर्स हैं उनका कहानी, अमरजीत सर का कहानी सुनते थे, किस तरह से वो फैमिली मिलकर के पूरा परिवार को मिलकर के रिएक्शन को कर रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं सभी लोगों का कहानी को सुन करके रिएक्शन में काम करना शुरू किए। तो यहाँ पर देखा जाए तो देख लीजिए ये क्या है, हमको जो डिएक्शन के बारे में जानकारी दिए थे, डिएक्शन के बारे में बताए थे, जोरदार तालियां फिर से विक्रम सर पूजा मैडम के लिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तो देखिए, जब आपको हम बता दें डिएक्शन से पहले जो हमारे परिवार में उसका कुछ भी इनकम नहीं था, जिस टाइम में हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय में मेरे पिताजी प्राइवेट काम करते थे, प्राइवेट जिसे होता है ना दुकान में काम करना, दुकान में काम करते थे। उस समय में अगर देखा जाए तो हम करीब 5 या 6 क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय मेरे पिताजी लगभग 900 के महीना पे कपड़े की दुकान में काम करते थे। लेकिन वहां से क्या था, 900 के महीना आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, 30 रुपया का डेली, 30 रुपया का डेली इनकम था। लेकिन आज देखिए डिएक्शन से किस तरह का जिंदगी बदला, किस तरह से मान सम्मान जो सामने देख रहे हैं, फूल बुकेज ये सब हमें पता ही नहीं चला कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चला। आज हम इतना खुश हैं डिएक्शन से, रियलिटी दिल से बता रहे हैं, इतना खुश हैं क्योंकि आपको हम क्या बताएं, उतना हम बता नहीं सकते हैं। आज सभी कुछ हमें डिएक्शन से मिला, एक अच्छा जिंदगी मिला। मेरे माता पिता जी हैं जिनको जो गाड़ी में अभी क्या है खड़े हैं,
ये मेरा सुंदर सा घर जो कि आपको हम पहले दिखाए थे, पहले भी हम आपको दिखाए होंगे, इसको देखना है। पहले जो मेरा घर है, ये मेरा रिएक्शन से पहले घर है, रिएक्शन से पहले मेरा इस तरह का घर था, जो कि इस घर को भी बनाने में हमारे ऊपर लगभग 3 से 4 लाख रुपया कर्ज था। रिएक्शन से पहले हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, वहां से पैसा कमा कर किसी तरह से इधर से उधर से करके कर्ज करके इतना तक घर पहुंच चुका था, लेकिन उससे आगे होना मुश्किल था क्योंकि हम जॉब भी छोड़ चुके थे, जहां पे हम काम कर रहे थे उस काम को भी छोड़ चुके थे। तो यहां से क्या हुआ, ये आप आगे मेरा इस स्लाइड को देखें, डी एक्शन गैनोड्रमा ये सब भी चीज, ये क्या है, एक सुंदर सा घर जो कि मेरा सपना था। एक आदमी का जरूरत होता है रोटी कपड़ा और मकान है। आज हम जैसे भी हैं, हाँ समस्या का सामना करना पड़ा, हर समय बताते थे आप समस्या का समाधान ढूंढिए, आप समस्या का समाधान ढूंढिए, हम समस्या का समाधान ढूंढते थे, समस्या लेकर के नहीं बैठते थे। वर्षा हो, बुन्नी हो, पत्थर पड़े, ओला पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन के मीटिंग में जाना है तो जाना है, मीटिंग लेना है तो लेना है। हम कभी रुकने का, घर पे बैठने का काम नहीं किए, कभी आज तक हमारे पास ये समस्या नहीं आया जो सर मेरे पास तबीयत खराब है, मेरे पास ये परेशानी हो पड़े। हमने कभी भी अपने सीनियर को, अपने गुरु को, अपने यानी कि जो भी हमारे मेंटर्स रहे उनको हम कभी भी ये नहीं बताए जो हम आज नहीं जा पाएंगे, मेरे पास ये परेशानी है। हम कहीं ना कहीं उनकी बातों को फॉलो किए, मानते रहे, तभी आज हम इस जगह पे पहुंच पाए हैं। और सभी लोगों का सपोर्ट रहा, सभी लोगों ने हमें, सभी लोगों से सीखते गए, तभी हम आज इस जगह पे मुकाम पे पहुंचे हैं। और देखा जाए तो आज हम लगभग डिएक्शन से हमारा खुद का पर्सनल इनकम लगभग 92,000 के आसपास है, लगभग 92,000 के आसपास हम खुद इनकम कर रहे हैं। तो आज देखा जाए तो पूरा परिवार मिलाकर के घर में लगभग 1.5 लाख से प्लस का इनकम जा रहा है। तो सोच सकते हैं जो 900 के महीना कमाने वाला मेरे पिताजी, आज उनके घर में सभी पूरा परिवार मिलकर के लगभग 1.5 लाख से प्लस का इनकम जा रहा है। आज हम बहुत खुश हैं। हम भी रिएक्शन पहले नहीं समझते थे, क्योंकि रिएक्शन खाली किसी को समझ में नहीं आता। पहले सर समझते हैं, घर में जाके बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, चाय के बारे में, पेस्ट के बारे में, क्या शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि क्या है नहीं है। लेकिन उसी समय में क्या होता है, समस्या कुछ आ जाता है बच्चे के पास, तो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो हमें विश्वास होता है कि सही में प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसको यूज करना चाहिए। जब पूरे परिवार मिल के यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, तब हम क्या करते हैं, उसी समय में जो सर अभी आप लोग को बताए 146.70 रुपया आता है, उस समय में क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ थे पहले, और क्या है, उस समय में हम मोटिवेट हुए थे कि कहीं से बीमारी ठीक नहीं होता है, यहाँ से खाने पीने से बीमारी भी मेरा बच्चा को ठीक हो गया, जो आज परेशानी बहुत जगह से हम इलाज कराए कहीं से ठीक नहीं हुआ, आज मेरे पास परेशानी भी खत्म है और पैसा भी आ गया। इतना हम लगा कि हमें दिल से ये आवाज निकला। उसी समय में जो शोभा मैडम के बारे में बताए, उनका भी बोनस शोभा मैम का आया था 11,000, तो सर आके बताते हैं देखिए आप मीटिंग में नहीं जाते हैं, नहीं समझते हैं, आज शोभा मैडम को भी 11,000 से इनकम आया, अगर आप साथ दीजिएगा तो मेरा भी इनकम बढ़ सकता है। तो हमें लगा कि हमको भी मीटिंग में जाके सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जब हम भी मीटिंग में जाते हैं सुनते हैं समझते हैं। और मीटिंग किसी और के नहीं था, अविनाश सर का था, अविनाश सर के लिए भी जोरदार तालियां, उनका मीटिंग सुनते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है, वहां से हम मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमें रिएक्शन ही करना है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं। शुरू में बहुत ही परेशानी आता है, और डिएक्शन के बारे में जानकारी देने वाले विक्रम सर, पूजा मैम के लिए भी जोरदार तालियां। तो हमें वहां से दोनों हस्बैंड वाइफ तो डिएक्शन करने के लिए शुरुआत हो जाते हैं, में कि घर में कोई आदमी नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले भी सर जॉब छोड़ के आ गए थे बीमारी परेशानी के कारण, पैसा भी नहीं था, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो उस समय में हमें लगता था कि अकेला कमाने से घर चलने वाला नहीं है, हमें भी साथ देना चाहिए, यहाँ से लोगों को जीवन बदलता है। मीटिंग में सुनने का काम करते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं पढ़ल है,
ने मेरे पास गरीबी भी था, बीमारी भी था, यहाँ से मेरा जीवन बदल गया। सभी लोगों को डायमंड को सुन के मोटिवेट रहते थे कि हम भी कर सकते हैं, मेरा भी जीवन यहाँ से बदल सकता है। तो पता चलता है मीटिंग में जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए नहीं देते हैं, फिर भी क्या है, हम भी जिद ठान लेते हैं कि नहीं, हमें मीटिंग में जाना है तो जाना। जब हम मीटिंग में जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तो लोगों को कैसे हम बताएंगे, लोगों से बात हम कैसे करेंगे। तो हम मीटिंग में जाने का हमेशा काम किए। घर में परेशानी होता था, लेकिन परेशानी को हम नहीं देखते थे, लोगों को हम बात करना बहुत ही चाहते थे कि हम भी जाके लोगों को बताए, बात करें। उस समय में मेरे पास भी छोटा बच्चा था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे करें, मैम जी मेरे पास बच्चा है, घर वाले आदमी नहीं मानते हैं, सासू माँ मना करते हैं, हसबैंड जी मना करते हैं, बहुत सारे लोग बहाना लगाते, लेकिन हम कभी बहाना नहीं लगाए, क्योंकि मेरा क्लियर था कि हमें करना है तो डिएक्शन करना है। अगर हम गरीबी से अमीरी में जाना है तो हमें परेशानी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम डिएक्शन नहीं करते हैं तो मेरे पास जो परेशानी तो है, गरीबी भी है, बीमारी भी है, आने वाला समय में गरीबी भी तेजी से बढ़ेगा और बीमारी भी बढ़ रहेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन डिएक्शन इतना अच्छा सिस्टम है कि डिएक्शन से बहुत ही अच्छा जीवन मिलता है, जो आज हमें महसूस हो रहा है कि डिएक्शन से पहले मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, अच्छा शरीर भी नहीं था, अच्छा खासा इनकम भी नहीं था, कोई नाम पहचान भी नहीं था, कोई जानने वाला भी नहीं था। डिएक्शन से पहले हम साफ बेकार आदमी थे, लेकिन आज देखा जाए डिएक्शन में बेकार आदमी के पास भी क्या आ जाता है, कार आ जाता है। दिल से काम किए, कब मेरा जीवन में बदलाव आ गया, जीवन बदल गया, पता ही नहीं चला। अगर हम दिल से कोई काम करते हैं तो काम किया नहीं जाता है, काम क्या हो जाता है, हो जाता है। लेकिन उस समय में क्या है, बच्चा के पास बच्चा था पास में, तो समस्या था कि बच्चा के लेके हम कैसे मीटिंग में जाए। पता चलता है मीटिंग में बच्चा के लेके दो चार दिन जाते हैं तो बच्चा कभी मीटिंग सुनने शांति से नहीं देता, तो हमें यहाँ से बताया जाता है कि तो पता चलता है डिएक्शन में वहाँ मीटिंग के में आने के लिए तैयार होते हैं तो बच्चा रखने के लिए कोई लोग तैयारे नहीं है, क्योंकि पता था कि डिएक्शन के बारे में हमें हस्बैंड वाइफ को जानकारी था कि डिएक्शन से हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि फैमिली लोग नहीं सुने थे मीटिंग डिएक्शन का, जो यहाँ से क्या मिलता, बहुत सारा बात सुनने के लिए मिलता था, यहाँ से फुल चार्ज होके जाते थे कि हमें कुछ करना है, वहाँ घर पे जाके पता चलता था स्विच ऑफ हो जाते थे सभी लोगों को बात सुन के। फिर मैं कि क्या है, सफल सीनियर को फोन जाता था, गुरुजी से बात होता था, तो हमें फिर फुल चार्ज हो जाते थे कि नहीं फिर हम कल जाके मीटिंग सुनेंगे, लोगों को बताएंगे, होम मीटिंग करेंगे। जब हम स्टार ही नहीं थे उसी समय से हम होम मीटिंग करना शुरू किए, कभी हम ऐसा नहीं किए कि हम होम मीटिंग नहीं देंगे, मेरे पास समस्या है, छोटा बच्चा है, हम कैसे लेके जाएंगे। हम होम मीटिंग करते गए, होम मीटिंग से हम इतना तेजी से जल्दी डायमंड भी बने और डबल डायमंड भी बने। अभी भी हम मीटिंग कहीं ना कहीं मीटिंग रोज देते हैं, क्योंकि मीटिंग देने से ही मेरा सिस्टम बढ़ सकता है। उसी समय में क्या होता है, बहुत सारा परेशानी आता है, बहुत सारे लोग वहां पे बोलते हैं अगल बगल गांव समाज कि ये इसका पुतो बहुत मनबरू हो गया, पहले किसी से बात नहीं करता था, अब तो रोज कहाँ जाता है घूमने के लिए, पहले तो बेटा जाता था, अब पत्नी को भी लेके जाता है घूमने के लिए, क्या करेगा नहीं करेगा, बर्बाद हो जाएगा सभी कुछ, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, सभी बात को सुनते थे लेकिन मानते थे गुरु जी का बात, क्योंकि यहाँ से बताया जाता है अगर सफल गुरु को आप हाथ पकड़ के चलिएगा तो आपके जीवन में सभी कुछ मिलेगा, जो आप नहीं चाहे हैं उस सभी कुछ मिल सकता है। मेरे पास भी सपना था कि मेरे पास भी अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा गाड़ी होना चाहिए, मेरे ये सब सपना सपना ही था,
में फिर डिएक्शन में आए तो आज देखा जाए सपना भी गुरुजी जगाए और सपना भी पूरा किए। आज हमें सपना जगा जगा के कि आपके आप अगर अच्छा से काम करते हैं तो आपके पास अच्छा इनकम भी होगा, अच्छा गाड़ी भी होगा, अच्छा घर भी होगा, नाम पहचान भी होगा। आप डिएक्शन को दिल से करिए, आज पता चलता है दिल से करते गए तो कम मेरे जीवन में ये सभी कुछ आ गया, खुद ही पता नहीं चला। इसलिए आप लोग भी डिएक्शन करिए, डिएक्शन से बहुत ही खुशियां मिलता है। आज हमें धन का आजादी, स्वास्थ्य का आजादी, सभी कुछ का आजादी है। आज हमें डिएक्शन से बहुत ही अच्छा जीवन मिला है। अगर आज हमें डिएक्शन नहीं मिलता, आज अगर हम डिएक्शन नहीं समझते तो मेरा जीवन कहाँ रहता, मेरा खुद ही पता नहीं रहता। क्योंकि डिएक्शन से इतना आज हम खुश हैं कि हम क्या बताएं, बहुत ही आज हम डिएक्शन से खुश हैं। ये सभी कुछ हमें सिस्टम के बारे में, चाहे प्रोडक्ट के बारे में और ज्ञान संस्कार जो भी डिएक्शन से आज मिला, ये सभी कुछ देने वाले अविनाश सर हैं, उनके लिए जोरदार तालियां दीजिए।